बुलंदशहर में युवाओं ने 42 घंटे लगातार राष्ट्रगान को गाने का रिकॉर्ड बनाने की धुन मन में ठान ली है। इसे लेकर स्कूली छात्र अपने अध्यापक के साथ लगातार राष्ट्रगान गा रहे हैं। 26 जनवरी को सुबह 9 बजते ही इन युवाओं की मेहनत रंग लाएगी और एक नया इतिहास लिख जाएगा। कहते हैं हौसला और हिम्मत हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पीछे एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, सभी के हाथ में तिरंगे हैं और ये लोग सामूहिक तौर पर राष्ट्रगान का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और ये पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा से यहाँ चल रहा है। और सर, मैं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बुलंदशहर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मैं लिम्का बुक में सर्च करा तो उसमें आंध्र प्रदेश में 24 घंटे लगातार राष्ट्रगान गाने का रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड को हम ब्रेक कर चुके हैं आज शाम के 3 बजे, लेकिन ये कल 26 जनवरी को 9 बजे इसका समापन हो जाएगा 42 घंटे से। हम इसकी अप्लाई करेंगे लिम्का के इंडिया के लिए, इसकी हम परमिशन मिल चुकी है उनसे, लिम्का के लिए मिली है, लिम्का एशिया और इंडिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने शहीदों के लिए, जो शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ। वो सब करने के लिए तैयार है सर। तो अब साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं जो जोश और जज्बा यहाँ देखा जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और ये लोग एक रिकॉर्ड को तोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं। 26 जनवरी 9 बजे तक ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी बुलंदशहर।